बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तालीमी और तरबियती वीडियोस हासिल करने के लिए हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार शाहिद के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, today I am going to deliver you the lecture of computers of class 4 and the unit number is 1. So let's start. Dear students, open the page number 4. Unit number 1 and the name of this unit is aspects of computers. Computers ke pehlu. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स कितनी किस्म के हैं, उनके फंक्शंस काम क्या हैं और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। द फर्स्ट हेडिंग इज फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के काम, कंप्यूटर कैसे काम करता है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि IPO के असूल के मुताबिक काम करती है। IPO स्टैंड्स फॉर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, यानी कि ये जिस साइकिल के थ्रू काम करती है उसको IPO कहा जाता है, IPO साइकिल। अब IPO साइकिल क्या है इसे डिस्कस करते हैं। इन IPO साइकिल कंप्यूटर टेक्स रॉ डाटा। रॉ डाटा उस डाटा को कहते हैं जिस पे कोई काम अभी ना किया गया हो एज इनपुट। IPO साइकिल कंप्यूटर्स का रॉ डाटा जो है वो एक्सेप्ट करती है एज इनपुट फ्रॉम द यूजर जो उसे इस्तेमाल कर रहा होता है एंड प्रोसेसेस दिस और फिर इस पर अमल करती है एंड गिव्स द रिजल्ट एज आउटपुट और उस डाटा पर काम करके और प्रोसेस करके जो वो रिजल्ट देती है उसे आउटपुट कहते हैं। इट देन सेव्स द आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूज। फिर वो जो हमें आउटपुट यानी जो रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन हमें देती है वो उसको महफूज कर लेती है हमारे फ्यूचर के लिए कि जब कभी फ्यूचर में हमें कोई काम हो तो हम उसको इजीली जो है वो देख सकें। अ कंप्यूटर परफॉर्म्स फोर फंक्शंस। कंप्यूटर चार किस्म के काम करता है। नंबर वन, एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट। एज यू कैन सी हियर दिस इज द साइकिल ऑफ IPO। नंबर वन इज एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, डाटा लिया एज इनपुट। नंबर टू, प्रोसेसेस डाटा एज प्रोसेसिंग, उसके उस डाटा को फिर उसने प्रोसेस किया, उस पर अमल किया। नंबर थ्री, स्टोर्स रिजल्ट एज स्टोरेज, फिर उसने उस प्रोसेस के बाद डाटा को अब स्टोर कर लिया कंप्यूटर ने, उसके बाद प्रोड्यूस रिजल्ट एज आउटपुट और आउटपुट को एज अ इंफॉर्मेशन फिर हमें शो करवा दिया एज अ रिजल्ट। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इनपुट। इनपुट इज द रॉ डाटा, वो ऐसा रॉ डाटा है एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर जो कंप्यूटर में दाखिल किया जाता है फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इट मे बी लेटर्स, या तो वो नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं ABC लाइक नंबर्स हो सकते हैं, 1, 2, 3 इमेजेस, कोई भी तस्वीरें हो सकती हैं और एनी अदर फॉर्म ऑफ डाटा और भी कोई भी किस्म हो सकती है डाटा की। नेक्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स द ऑपरेशन, ऐसा कोई काम ऑफ डाटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब है जो हदायत हम उसे देते हैं उसके मुताबिक वो उस पर काम करता है। इट इज टोटली द इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इंटरनल प्रोसेस यानी कि उसके अंदरूनी काम जो हैं वो प्रोसेस में आते हैं और फिर कंप्यूटर उसका उसको स्टोर कर लेता है डाटा को। स्टोरेज क्या है, द स्टोरिंग ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर किया जाता है इस टर्म्ड एज स्टोरेज। आउटपुट, आउटपुट इज द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंप्यूटर। एक इंफॉर्मेशन होती है जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो होती है इनपुट, और एक इंफॉर्मेशन है जो वो हमें प्रोवाइड करता है वो है आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिजल्ट, और आउटपुट का दूसरा नाम क्या है, रिजल्ट। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, सो लेट्स डिस्कस इट।
कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आवर डे टू डे लाइफ. डे टू डे लाइफ मतलब रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते हैं कि हर जगह ही आजकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है. दे आर यूज्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस फॉर वेरियस पर्पसेस. मुख्तलिफ मकासद के लिए हम उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं. कहाँ इस्तेमाल करते हैं अब ये देखते हैं. एट होम्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम बाय चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स फॉर वेरियस पर्पसेस. घरों में हम बच्चे या नौजवान डिफरेंट किस्म के काम करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं. दीज इंक्लूड प्लेइंग गेम्स, जैसे कि बच्चे उस पर गेम्स खेल सकते हैं. लिस्निंग टू म्यूजिक, हम म्यूजिक सुन सकते हैं. स्टोरिंग एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स, या हम किसी का एड्रेस नोट कर सकते हैं, किसी का टेलीफोन नंबर उसमें स्टोर कर सकते हैं. तो इन पर्पसेस के लिए घर में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट इज इन स्कूल्स. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स बाय टीचर्स फॉर प्रिपेयरिंग लेसन्स. अब स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो लेसन्स को तैयार करने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड मेकिंग प्रोजेक्ट्स. अब डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स को पढ़ाना और उनके प्रोजेक्ट्स जो है तैयार करना वो कंप्यूटर्स पर आसानी से किया जा सकता है. स्टूडेंट्स यूज कंप्यूटर्स फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स. स्टूडेंट्स भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए. गिविंग ऑनलाइन एग्जाम्स, या फिर ऑनलाइन एग्जाम्स दे सकते हैं. एंड कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, और अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं. कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड इन लाइब्रेरीज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ बुक्स. अब लाइब्रेरीज में भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है बुक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए. नेक्स्ट इज इन हॉस्पिटल्स. कंप्यूटर्स प्ले अ वाइटल रोल. वाइटल रोल इज अहम किरदार. इन द मेडिकल फील्ड शो बाय तिब, यानी कि कंप्यूटर्स भी मेडिकल फील्ड में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. इन हॉस्पिटल्स एंड लेबॉरटरीज. हॉस्पिटल और लेबॉरटरीज में कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स. पेशेंट्स के जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं वो कंप्यूटर्स में सेव कर लिए जाते हैं. कंडक्टिंग मेडिकल टेस्ट टू क्योर वेरियस डिसीजेज. क्योर का मतलब होता है इलाज, उसको तंदुरुस्त करने के लिए उसकी बीमारी से पेशेंट को जितनी भी तजावीज़ होती हैं या उनका टेस्ट का रिकॉर्ड होता है वो कंप्यूटर्स में सेव कर लिया जाता है. एंड रिसर्च वर्क इन द मेडिकल फील्ड. और मेडिकल फील्ड में जितने भी हम तहकीकी काम या रिसर्च वर्क्स करते हैं वो भी हम वहाँ पे कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं. नेक्स्ट इज फॉर एंटरटेनमेंट. कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट्स. अब एंटरटेनमेंट यानी तफरी के लिए हम कंप्यूटर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं. इश्तहारात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एनिमेटेड फिल्म्स, जैसे कि आप कार्टून्स वगैरह कोई देखते हैं वो उस पर बनाए जाते हैं. एंड अदर मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स, और कोई भी ऑनलाइन या नेट पे आप जो भी काम करते हैं वो कंप्यूटर पे किया जाता है. स्पेशल करेक्टर्स एंड इफेक्ट्स आर एडेड इन मूवीज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. आप मूवीज में या कार्टून्स में जितने भी स्पेशल इफेक्ट्स देखते हैं वो कंप्यूटर्स के थ्रू ही किए जाते हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्पाइडरमैन एंड बैटमैन. स्पाइडरमैन एंड बैटमैन जो है वो इसकी एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट इज इन बैंक्स. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट होल्डर्स. अब बैंक में जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, यानी जिन जिन ने अकाउंट अपने खुलवाए हुए हैं, वो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए बैंक्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है. ऑपरेटिंग एटीएम मशीन्स, ये जो एटीएम मशीन्स हैं जिसके थ्रू हम पैसे निकलवाते हैं उनका रिकॉर्ड. एंड प्रोवाइडिंग ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज़, और जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज़, जैसे हम कभी मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी हम कस्टमर्स को कंप्यूटर्स के थ्रू ही करते हैं. सो मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6. इन ऑफिसेस. अब दफ्तरों में इसका कैसा इस्तेमाल है. दे आर यूज्ड इन ऑफिसेस फॉर मेंटेनिंग ऑफिस रिकॉर्ड्स. अब ऑफिस में जितना भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स यूज किया जाता है. कम्युनिकेटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल्स. एक दूसरे के साथ ईमेल के जरिए जो बातचीत कर सकते हैं हम ऑफिसेस में वो भी कंप्यूटर के थ्रू होती है. टाइपिंग एंड प्रिंटिंग ऑफिस डॉक्यूमेंट्स एंड कैलकुलेटिंग डाटा. जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिंट करना, उनको टाइप करना और डाटा का अदादोशुमार यानी कि उनको कैलकुलेट करना भी कंप्यूटर्स के थ्रू किया जाता है. इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर्स आर वाइडली यानी वसी पैमाने पर यूज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बहुत बड़े पैमाने पर कंप्यूटर्स जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स यानी तजर्बात करने के लिए.
मेकिंग डिफरेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के साइंसी जो साजो सामान हम बनाते हैं उनको बनाने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम का हाल जानने के लिए, एंड सेंडिंग सैटेलाइट्स और सैटेलाइट्स भेजने के लिए यानी कि जो सिग्नल्स होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड मिसाइल्स इन द स्पेस, और जो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है खला में उसके लिए भी हम ये कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज इन डिज़ाइनिंग. कंप्यूटर्स हेल्प इन द फील्ड ऑफ डिज़ाइनिंग इन वेरियस वेज. मुख्तलिफ तरीकों से डिज़ाइनिंग में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है. कंप्यूटर्स आर यूज टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग्स. अब घरों और जो बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनके नक्शे बनाने के लिए भी, उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. फैशन डिज़ाइनर्स यूज कंप्यूटर टू डिज़ाइन गारमेंट्स. अब जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो भी कपड़ों के डिज़ाइंस बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं. ओके, ये हो गए इसके यूजेस. अब नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स की क्या खसूसियात हैं? अ कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन. कंप्यूटर एक बहुत ही यूजफुल यानी कि बहुत ही अच्छी तरह इस्तेमाल में आने वाली मशीन है जो हमारे लिए बहुत मुफीद होती है. फॉलोइंग आर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स. अब हम इनकी कुछ खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं. डैट हैव मेड दम पावरफुल एंड यूजफुल मशीन, जो कि उसे ताकतवर और यूजफुल बनाती है. इनक्रेडिबल स्पीड, उसकी नाकाबिल यकीन स्पीड यानी रफ्तार. कंप्यूटर्स वर्क एट एन इनक्रेडिबल स्पीड. कंप्यूटर एक नाकाबिल स्पीड पे जो है ना वो काम करता है. द कैलकुलेशंस दैट मेक आवर्स टू बी डन, वो तमाम अदादोशुमार कैलकुलेशंस जिनको करने में पूरा घंटा लग जाए बाय ह्यूमन, किसी एक इंसान से, कैन बी परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर इन अ फ्यू सेकेंड्स. तो वो कंप्यूटर जो है वो कुछ ही सेकेंड्स में उसको परफॉर्म करके तो हमें बता देता है. अ पावरफुल कंप्यूटर इज कैपेबल, एक अच्छा ताकतवर कंप्यूटर इस काबिल होता है ऑफ परफॉर्मिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, कि वो लाखों इंस्ट्रक्शंस को सेकेंड्स में जो है वो उस पर काम करके तो हमें उसका रिजल्ट दे दे. नेक्स्ट इज एक्यूरेट मशीन. एक्यूरेट का मतलब होता है दुरुस्त, सही. अ कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट मशीन. कंप्यूटर एक बिल्कुल एक्यूरेट यानी दुरुस्त मशीन है, यानी कि ये जो भी रिजल्ट हमें देती है वो बिल्कुल दुरुस्त होता है. इट कैन परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स, वो बहुत सी कैलकुलेशंस बगैर किसी गलती के जो है वो कर सकती है. हाउएवर व्हेन इनकरेक्ट डाटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, अगर हम उसको कोई गलत इंफॉर्मेशन देंगे या उसको कोई गलत हम डाटा प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें रिजल्ट भी फिर गलत ही देगा. अगर हम उसको सही प्रोवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बिल्कुल एक्यूरेट होगा. द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 7. स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि जमा करने की सलाहियत. कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. डेटा की जो है वो बहुत बड़ी तादाद कंप्यूटर पर स्टोर की जा सकती है. एंड इंफॉर्मेशन इन दिस मेमोरी, उसकी मेमोरी में बहुत सी मालूमात और डेटा स्टोर किया जा सकता है. वंस एन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, एक दफ़ा जो हमने इंफॉर्मेशन उस पर स्टोर कर दी, इट कैन बी यूज वैन एवर रिक्वायर्ड, फिर जब भी हमें कभी उसकी ज़रूरत होगी तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वर्सेटाइल मशीन. वर्सेटाइल का मतलब होता है हर फन मोला जो कि हर काम कर सकती है. कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल मशीन. द मल्टी प्रोसेसिंग फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है जो एक से ज़्यादा काम कर सकती है, ये उसकी खसूसियत है. अलाउज इट टू परफॉर्म वेरियस टास्क विद ईज. ईज मतलब आसानी से उसको जितने भी काम आप कहेंगे वो आपको परफॉर्म करके फौरन दे देगी. Being a versatile machine, the computers can be seen in homes, schools, banks, hospitals, railways, and many other places. इसकी इसी खूबी की वजह से हम इसका इस्तेमाल हर जगह पर करते हैं, स्कूल में, घर में, बैंक में, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन वगैरह, हर जगह इसको पाया जाता है. नेक्स्ट इज टायरलेस. टायरलेस मतलब कि जो थकती नहीं है. अनलाइक ह्यूमन यानी इंसानों की तरह कंप्यूटर्स नेवर गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग. कंप्यूटर कभी भी काम करते हुए थकते नहीं हैं. फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उनको जितना मर्जी लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर लें ये थकेंगे नहीं. कंप्यूटर्स देयरफॉर आर बेटर देन ह्यूमंस इन परफॉर्मिंग टाइम टेकिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क. इंसानों से बेहतर तरीके से ये अपने काम सारे अंजाम दे सकते हैं, चाहे वो कितना भी कोई मुश्किल टास्क हो. नेक्स्ट इज मल्टी टास्किंग, एक से ज़्यादा काम.
A computer can perform various tasks at the same time. एक वक्त में एक से ज्यादा काम वो कर सकता है with the same speed and accuracy. उसी स्पीड और दुरुस्तगी के साथ accuracy, दुरुस्तगी. For example, मिसाल के तौर पर a user can play games. उसको इस्तेमाल करने वाले को यूजर कहते हैं कंप्यूटर्स को. गेम्स यानी कि आप प्ले गेम्स प्ले कर सकते हैं, लिसन टू म्यूजिक म्यूजिक सुन लें और ड्रॉ पिक्चर कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर लें एट द सेम टाइम ऑन अ कंप्यूटर. ये सारे काम आप एक ही वक्त में भी कंप्यूटर से पे करें तो वो बहुत आसानी से इस पर परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर्स की कितनी किस्में हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स. हर कंप्यूटर के अपने एक बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल यानी कि उसके असूल होते हैं. उसके मुताबिक जो कंप्यूटर्स की दर्जाबंदी की गई है वो कुछ इस तरह है. दे कैन बी डिजिटल, वो डिजिटल हो सकते हैं, एनालॉग और बोथ हाइब्रिड, यानी कि दोनों भी हो सकते हैं और डिजिटल और एनालॉग भी. अब हम इनको आगे डिस्कस करेंगे. मूव टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, पेज नंबर 8. एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज एनालॉग कंप्यूटर्स. एनालॉग कंप्यूटर्स को हम हमेशा मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. किसी भी चीज़ की मेजरमेंट यानी कि उसको नापना हो कि वो कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, वो मेजरमेंट पे काम करता है. और डिजिटल कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन पे काम करते हैं. तो पहले हम पढ़ते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स. Such computers operate on the continuous data of physical nature, such as temperature, length, speed, etc. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी चीज़ की, किसी जिस्मानी फितरत की, किसी भी चीज़ की स्पीड, उसकी लेंथ, उसके टेम्परेचर पर काम करता है. Analog computers operate by measuring rather than counting. ये भी मैंने आपको बताया कि ये measure करता है, count नहीं करता. Analog computers are faster than digital computers. अब जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो बहुत तेज हैं डिजिटल कंप्यूटर की निस्बत. हाउएवर द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा इज पुअर. लेकिन ये है कि इसमें अक्सर गलती हो जाती है, इसकी एक्यूरेसी यानी इसकी दुरुस्तगी अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू द डिजिटल कंप्यूटर. दीज कंप्यूटर्स आर यूज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग. अब इन किस्म के जो कंप्यूटर्स हैं उनका इस्तेमाल इंजीनियरिंग में किया जाता है एंड मेडिकल साइंस. मेडिकल साइंस में इनका इस्तेमाल है एज दे आर स्पीडी एंड प्रोड्यूस फास्ट रिजल्ट. ठीक है. नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर्स. डिजिटल कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन डिजिटल डाटा सच एज नंबर्स. एज आई टोल्ड यू कि ये नंबर्स पर काम करता है, कैलकुलेशंस पे काम किया जाता है. दे कैन दे यूज बाइनरी नंबर्स. बाइनरी नंबर्स कौन से हैं? सिस्टम 0 और 1 टू परफॉर्म. अब ये कंप्यूटर जो है 0 और 1 के सिस्टम पे काम करता है. देयर ऑपरेशंस डिजिटल कंप्यूटर्स कैन गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स देन एनालॉग कंप्यूटर्स. अब ये डिजिटल जो कंप्यूटर्स हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स की निस्बत बहुत अच्छे तरह से दुरुस्त नतीजे दे सकते हैं. डिजिटल वॉचेस यानी कि जो डिजिटल आजकल घड़ियां आप देखते हैं, जैसे कि ये देखें, ये है डिजिटल वॉच. एंड कैलकुलेटर्स आर गुड एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. कैलकुलेटर्स और डिजिटल वॉचेस जो हैं ये एग्जांपल्स हैं. द टाइम व्हिच इज डिस्प्लेड, जो टाइम हमें नजर आता है, डज नॉट वेरी कंटिन्यूसली बट चेंज फ्रॉम द सेपरेट वैल्यू टू अनदर. दीज कंप्यूटर्स आर मोस्टली यूज इन ऑफिस एंड साइंस एंड साइंस लेबॉरटरीज. इनका ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ पे है? मोस्टली ऑफिस में और साइंस लेबॉरटरीज में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9. नाउ द हाइब्रिड कंप्यूटर्स. अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. अब ये दोनों का मिक्सचर है, यानी कि ये एनालॉग कंप्यूटर्स की भी ड्यूटीज परफॉर्म करता है और डिजिटल कंप्यूटर्स की भी. दे आर डिजाइन टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स. दीज कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स. इनका ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो हॉस्पिटल्स में किया जाता है. विद द हेल्प ऑफ द एनालॉग फीचर्स इन द हाइब्रिड कंप्यूटर द पेशेंट्स हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर इज चेक्ड. अब उसकी जो एनालॉग की खसूसियत है यानी कि मेजरमेंट की, उस खसूसियत की वजह से वो पेशेंट्स की हार्ट बीट यानी कि उनके दिल की जो धड़कन है वो और ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. वेयर एज जबकि द डिजिटल फीचर्स एज
आर यूज टू ऑब्जर्व वाइटल साइंस ऑफ पेशेंट्स. वाइटल साइंस क्या होते हैं? ऐसी अलामत हयात यानी जिंदगी की वो अलामत या जैसे कि हार्ट बीट जो हमारा दिल का धड़कना है वो हमारे लिए ज़रूरी है, उसके बाद ब्रीदिंग सांस लेना हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो उसकी क्वांटिटी को मेजर करता है यानी कि देखता है कि एक मिनट में कितनी दफ़ा यानी कैलकुलेशन कितनी है उसकी, वो कितनी दफ़ा धड़क रहा है और एक मिनट में हम कितनी दफ़ा सांस ले रहे हैं, वो सब उसकी डिजिटल खसूसियात हैं. तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को मेजर करना उसकी एनालॉग खसूसियात और उसकी क्वांटिटी को मेजर करना कैलकुलेशन इज उसकी डिजिटल कंप्यूटर की जो फीचर हैं उसकी खसूसियात हैं. हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड इन वेदर डिपार्टमेंट टू फोरकास्ट वेदर. हाइब्रिड कंप्यूटर्स को मौसम का हाल जानने के लिए भी वेदर डिपार्टमेंट जो है वो यूज करता है. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर्स की हदूद क्या हैं यानी कि वो किस हद तक काम कर सकता है. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हकीकत के बावजूद डैट कंप्यूटर्स आर पावरफुल एंड यूनिवर्सली यूजफुल मशीन. हालांकि कंप्यूटर एक बहुत ताकतवर और आलमी सतह पर इस्तेमाल की जाने वाली मशीन है, दे हैव सम लिमिटेशंस, फिर भी उसकी कुछ हदूद हैं. अब वो हदूद क्या हैं? अ कंप्यूटर इज नॉट एबल टू टेक डिसीजन ऑन इट्स ऑन. एक कंप्यूटर कभी भी खुद फैसला नहीं कर सकता. जब तक हम उसको जो डाटा हम प्रोवाइड करेंगे वो उसी पे ही प्रोसेस करेगा और उसी के मुताबिक हमें नतीजा देता है. इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर. इट डज नॉट लर्न एनीथिंग. ये कुछ भी सीखता नहीं है. इट्स नॉलेज एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड. उसकी काम करने की काबिलियत जो है, इल्म और काम करने की काबिलियत, वो बहुत महदूद है. टू द प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इन इट, यानी कि जो प्रोग्राम हम उस पर इंस्टॉल करते हैं बस वो उसी के मुताबिक काम करता है. अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक. वो सोच नहीं सकता. कंप्यूटर आर डिपेंडेंट ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द यूजर. वो उसका इन्हिसार सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे है जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं. अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक केयर टू इटसेल्फ. वो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता. इट इज डिपेंडेंट ऑन द यूजर फॉर केयर. ये हमारे पर डिपेंड करता है, उसको इस्तेमाल करने पर डिपेंड करता है कि वो उसकी हिफाजत किस तरह करता है. अ कंप्यूटर हैज नो इमोशंस और फीलिंग्स. उसके कोई जज्बात नहीं होते. इट नेवर फील पेन. वो कभी भी दर्द महसूस नहीं करता, खुशी महसूस नहीं करता और थकन महसूस नहीं करता, टायर्डनेस एक्सेट्रा. लेट्स रिवाइज नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज योर लेसन. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. लेट्स रिवाइज इट. अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO साइकिल. In IPO cycle, computer accepts data as input, processes it, and gives the result as output. Computers are being used almost everywhere. Some of the areas where computers are widely used are homes, schools, hospitals, media, banks, offices, laboratories, and in the field of science and technology. Move to the next page, students. Page number 10. There are some more important points. A computer is an incredible machine. Some of the major characteristics of a computer are speed, accuracy, storage, capacity, versatility, tirelessness, and multitasking. In spite of being a powerful and a useful machine, a computer has some limitations. The three types of computers are classified on the basis of their basic operating principles. They are analog computers, digital computers, and hybrid computers. Analog computers operate on the continuous data of physical nature, such as temperature, length, speed, etc. Digital computers operate on digital data such as binary numbers, for example 0 or 1. Hybrid computers are a combination of both analog and digital computers. They are designed to perform the functions of both. Done. Now it's activity time. Activity number 1. Label the parts of the IPO cycle with the given words. Here is the cycle of IPO. आपने यहां से words देखने हैं और इनको label करना है.
द फर्स्ट वन इज डाटा. जब हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, इनपुट. उसके बाद वो करता है प्रोसेस. प्रोसेस के बाद वो करता है स्टोर, यानी स्टोरेज. स्टोरेज कर देता है इसको आउटपुट. आउटपुट के बाद हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन या रिजल्ट. डन. एक्टिविटी नंबर टू इज फाइंड द फॉलोइंग प्लेसेस और एरियाज वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड. अब आपने फाइंड करने हैं इन वर्ड्स को. नंबर वन इज स्कूल्स. अब स्कूल्स कहाँ हैं, दिस इज स्कूल. हेयर इज स्कूल. बैंक्स, हेयर इज बैंक. हॉस्पिटल, ऑफिसेस. दिस इज ऑफिस. साइंस, होम्स. Done. Now move to the next page. It's time to do our exercise. Exercise number one. Fill in the blanks with the help of the word bank. This is your word bank. यहाँ से आपने words लेने हैं और अपनी blanks को fill करना है. The blank number one is saving data in the computer's memory is called storage. B, a powerful computer is capable of performing millions of instructions per second. C, computers are better than humans in performing time-taking and complicated tasks. D, computers can store large amount of data and information in its memory. E, a computer has no emotions or feelings. F, multitasking feature of a computer allows it to perform various tasks at the same time. G, digital computers use binary number system to perform their operations. Done. Exercise number two is choose the correct word for each statement and write it in the given space. Number A, dash means the operation of data as per given instructions. And the option is number two, process. B, dash is the result given by the computer. And the option is number three, output. C, in dash, computers are used for maintaining medical record of patients and conducting medical tests. And the correct option is hospitals. D, in dash, computers are used for keeping records of account holders and operating ATM machines. And the correct option is banks. E, in dash, computers are used for maintaining office records, typing and printing documents. And the correct option is offices. F, dash computers operate on the continuous data of physical nature. And the correct option is analog. Now students move to the next page, page number 12. And the last one is G. Now students, move to the next page, page number 12. And the last one is G. Dash computers operate on digital data. And the correct option is digital. Done. Now, exercise number 3. Tick the correct statements
and cross the wrong ones. Number one statement is, a computer works on the principle of IPO cycle. This is correct. B. Computers are universally useful machines and has no limitations. Wrong. C. There are three types of computers classified on the basis of their basic operating principles. Correct. D. Digital computers operate on the continuous state of physical nature. Wrong. E. Hybrid computers are a combination of both analog and digital computers. Correct. F. Computers are used in offices for conducting experiments and making different scientific equipment. Wrong. Done. Now, it's time to do the exercise number 4. Answer the following questions in your notebook. And the question number 1 is, what does a computer do in the IPO cycle? And the answer is, computer takes raw data as input from the user and processes this data and gives the result as output. Question number 2 is, what do you know about the speed of the computer? And the answer is, the calculations that take hours to be done by humans can be performed by a computer in a few seconds. A powerful computer is capable of performing millions of instructions per second. C. Write 5 limitations of a computer. And the answer is, number 1, a computer is not able to take decisions on its own. Number 2, a computer cannot take care of itself. Number 3, a computer has no emotions. Number 4, a computer cannot think. Number 5, it does not learn anything. Next is, how are computers useful for doctors? Give 2 examples. And the answer is, computers play a vital role in the medical field. Computers are used for maintaining medical record of patients. Computers are also used for conducting medical tests to cure various diseases. Next is, how are computers useful at home? And the answer is, computers are used at home for various purposes. These include playing games, listening to music, storing data and telephone numbers. Next is, differentiate between analog and digital computers. And the answer is, analog computers operate on the continuous data of physical nature such as temperature, length, speed, etc. Analog computers operate by measuring rather than counting. Analog computers are faster than digital computers. However, the accuracy of the data is poor as compared to digital computers. Next is, what are hybrid computers? And the answer is, hybrid computers are a combination of both analog and digital computers. They are designed to perform the functions of both digital and analog computers. Next is, explain the following characteristics of a computer. Number one is storage capacity. The answer is, computers can store large amounts of data and information in its memory. Once an information is stored in the computer, it can be used whenever required. Next is number 2, versatility. And the answer is, the multi-processing features of a computer allows it to perform various tasks with ease. Computers are used everywhere due to its versatility. Number 3 is accuracy. A computer is an accurate machine. It can perform various calculations without making mistakes. So students, your unit number 1 is done. I hope you have understood your lesson. Have a blessed day. Take care and Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।